बीती कल विधानसभा हलका खेमकरण की अमरकोट दाणा मंडी विच प्रोफेसर विरसा सिंह बलटोआ वालों करवाई रैली विच खिवंड चेला मोड़ कलोनी तो अकाली समर्थकों नू रैली विच ले जाण दे ते दोहां धिरां विचकार तकरार तो बाद वड्डी पद्धर ते देर रात झगड़ा होया जिस विच इक धिर ने दूजी धिर ते इट्टां रोड़े अते रफलां नाल हमला कर दिता। इस नाल गोली लगण दे नाल दो जख्मी हो गए जो अमृतसर दे इक हस्पताल विच इलाज अधीन हन। इस संबंधी जख्मी होए नौजवान की माता हरजीत कौर ने दस्सिया कि मेरे लड़के बीती कल प्रोफेसर विरसा सिंह बलटोआ की रैली विच बंदे लैके गए सन जिस नूं लैके चेला मोड़ कलोनी दे ही एक व्यक्ति ने इतराज किया ते बीती रात साडे घरां ते इट्टां रोड़े अते रफलां नाल हमला कर दिता जिस नाल गोली लगण ते मेरे दो पुत्र राजवीर सिंह अते जसकरण सिंह जख्मी हो गए जो इलाज अधीन अमृतसर दे इक हस्पताल दे विच हन। इस संबंधी मौके ते पहुंचे थाणा मुखी भिखी पिंड सरबजीत सिंह ने सारी स्थिति का जायजा लिया ते गलबात करदे होए उन्होंने कहा कि जो भी डॉक्टरी रिपोर्ट आएगी उस तों बाद बनदी कारवाई की जाएगी। तरन तारण तो पंजाब टीवी लई रशपाल पन्नू की रिपोर्ट। घंटा बाद लेडी जाओ कहते मैं दो कॉल मिले आ पर पुलिस इतने कोई सबूत नहीं मिला सारे जो काफी लोग जो सारी सर्च की जो दो मुंडे फटड़ हुए उनके संबंध की सानू उन्होंने बारे कोई इनफॉरमेशन नहीं इन्होंने हूँ दसिया ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਟੜ ਹੋਏ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਊਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਵਗੈਰਾ ਆਊਗੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇਖੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।